शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शर्मा फैक्ट्री से। हाँ बोलो शर्मा, क्या बात है? बहुत बड़ी गलती हो गई राणा साहब, हमारी टॉनिक प्लस की सारी बोतलों में अफीम और गर्द की ओवरडोज के कारण उसमें जहर फैल गया है। थाना और कल्याण में कई बच्चे मारे गए हैं, यहाँ तक कि मेरठ और कानपुर में भी 7 बच्चों के मारे जाने की खबर है। बच्चा मर गया मेरा। हेलो, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। अपने गद्दी के बच्चे, तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत थी? सुनो, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं साहब। अरे मौके की नजाकत को समझो, यहाँ लोग हमें लपेटने में लगे हुए हैं और तुम्हें फोन करने की सोच रही है? कान खोल कर सुन लो, 2-3 दिन तक बिल्कुल फोन नहीं करने का, समझे? देखिए आप, इन टॉनिक प्लस वालों को बंद कर देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए ऐसी दवा बेचने वालों को। कितने बच्चे मर गए देखिए आप, क्या हो रहा है? अस्पताल भर के भरे पड़े। चाहते हो डॉक्टर हसमुख, तो सीधी तरह से बयान दे दो, सरकारी गवाह बन जाओ, सजा बहुत कम हो जाएगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि टॉनिक प्लस वालों के साथ मेरा कुछ लेने देना नहीं है, मुझे छोड़ दो। पुलिस अच्छी तरह से जानती है डॉक्टर हसमुख पटेल कि टॉनिक प्लस का सारा कंसाइनमेंट तुम्हारे पास आता है, और ये सच मैं तुम्हारे मुंह से उगलवाऊंगा। इसके बहुत तरीके हैं मेरे पास, समझे? लपेटो लपेटो, अब ये नहीं लपेटो, अब वो इंस्पेक्टर का बच्चा हम सब पर भूखे शेर की तरह लपक पड़ेगा। हाँ, ये इंस्पेक्टर हमारे लिए खतरा बन गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। नहीं, उस खतरे को दूर करने का वक्त अभी नहीं आया। पुलिस से मुजरिम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, फिलहाल उस इंस्पेक्टर को भूल जाओ। सबसे पहले हमें वो सबूत मिटाना है जिसकी वजह से हम फंस सकते हैं। हेलो
इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर तैश और जोश दिखाने का मतलब है अपनी नौकरी से हाथ धोना, समझे आप? सर, पटेल को इंटरोगेट करते वक्त मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। ये रही पटेल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि पटेल सिर्फ बेहोश था, बस। ये रहा तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर। लेकिन सर, आई एम सॉरी शर्मा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऑर्डर ऊपर से आया है। पाप का बोझ कंधे पे ढोना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। डॉक्टर हसमुख जैसे भले लोग भी हैं इस दुनिया में। लपेटो और थोड़ा लपेटो। अरे भाई लपेटो। लपेटो लपेटो। चलो अच्छा हुआ हमने पुलिस को परेशानी से बचा दिया, अगर हसमुख जिंदा होता तो पुलिस को काम करना पड़ता। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार कि जब डॉक्टर की आत्मा मिस्टर साहेब से ऊपर जाकर मिलेगी और उसे बताएगी कि हमने उसका सारा कारोबार लपेट लिया है तो क्या होगा? क्या होगा? चीज इसमें है वो शराब में कहां।
ये खोल दो बॉटल। देखो ए नौ टंग पी के पाउशेर की धांधल करने का नहीं, समझे? आराम के साथ पियो। देखो स्विमिंग करना आता है क्या है? कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है तू। प्यारी प्यारी नहीं, वो सारी बातें करती हूँ। ये गंदा खेल है, क्या आप लोग छुपा छुपी खेलेंगे? हाँ आजा छुपा छुपी। माता दी, आप लोगों के दुख में शामिल नहीं हो पाएंगे, कुछ और लोगों के साथ दुख बांटना है। चैन की नींद सो रहा है।
लेकिन अब मैं तुझसे तेरा सुख चैन छीन लूंगी राणा। कौन है तुम? मैं वर्षा, वर्षा सहाय। तैयार हो जाओ राणा। मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं तेरी जिंदगी में तेजाब बनकर बरसने के लिए। और वो डॉक्टर भाटिया जिसने तेरे इशारों पर नाचकर मुझ पर इतने जुल्म ढाए, राख बना दिया मैंने उसे, मेरी आंखों के सामने आग में जल रहा है वो। लगता है तुम उस पागल खाने की चार दीवारी से बाहर निकलकर मरना चाहती हो। मरना तो अब तुझे है राणा, और तेरे साथी सेठी और सूद को। तैयार हो जाओ, तेरी मौत बनकर मैं आ रही हूं। वर्षा पागल खाने से भाग गई और तुम अभी तक सो रहे हो। क्या तुम्हें पता है ना क्या करना है? जी जी जी, मैं समझ गया समझ गया। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो देखो, वो देखो। उसके साथ पांच पागल और हैं। डॉक्टर भाटिया की हत्या भी उसने इन्हीं पागलों के साथ मिलकर की है। लो लपेटो। अरे मुझे तो पहले ही डाउट था, वो पागल थी ही नहीं, डोंग कर रही थी, डोंग। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उसने, डॉक्टर भाटिया के बच्चे को लपेट कर बहुत अच्छा किया। हम सबको फंसाने वाला वही है। मुझे तो उन पांच पागलों पर तरस आ रहा है। वर्षा के साथ कुंडली में उनकी मौत भी लिखी हुई थी, तभी तो वो पागल खाने से बाहर निकल आए।